किड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन बाय शबनम। आज हम आपको थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? वन हॉट डे अ थ्रस्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। एक गर्म दिन एक प्यासा कौवा खेतों के ऊपर उड़ रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट फाइंड एनी। काफी समय तक उसे कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला उसे? कुछ पानी नहीं मिला। ही फेल्ट वेरी वीक। वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। आफ्टर लॉस्ट ऑन होप, और उसने सारी उम्मीद लगभग खो दी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब उसको पानी मिल जाएगा, ठीक है? सडनली ही सॉ अ पिक्चर। अचानक उसको एक घड़ा दिखाई पड़ा। ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वॉज एनी वाटर इन साइड। वो नीचे की तरफ उड़ता हुआ आया। घड़े के पास आकर उसने देखा, घड़े के अंदर कुछ पानी है क्या? Yes, हाँ, he could see some water inside the pitcher. हाँ, उसको घड़े के अंदर कुछ पानी दिखाई पड़ा। The crow tried to drink the water. कौवे ने पानी पीने की कोशिश की। Sadly, his beak could not reach the water. बड़े दुख की बात है। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। Then he tried to push the pitcher to tilt for the water to flow out. बट द पिक्चर वॉज टू हैवी। तब उसने उस घड़े को हिलाने की कोशिश की, उसे धकेलने की कोशिश की, जिससे वो कुछ पानी नीचे बह सके या गिर सके। पानी बाहर घड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो पानी गिर जाएगा ना, तो उसने उसको हिलाने की कोशिश करी, लेकिन घड़ा जो था वो बहुत भारी था, हैवी था, तो वो कौवे से वो नहीं हिल पाया, ठीक है? The crow thought hard for a while. कौवे ने कुछ पल के लिए सोचा। Then looking around it, तब उसके चारों तरफ देखा। किसके चारों तरफ देखा? घड़े के। घड़े के आसपास देखा कि मैं क्या उपाय करूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे पानी ऊपर हो जाए। He suddenly had a good idea. He saw some pebbles. उसे कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। He suddenly had a good idea. उसको अचानक से एक उपाय सूझा। He started picking up the pebbles one by one. उसने एक एक करके कंकड़ उठाने शुरू करे। Dropping each into the pitcher. और घड़े के अंदर एक एक करके कंकड़ पत्थर डालता गया। As more and more pebbles fit the pitcher, जैसे जैसे घड़े के अंदर कंकड़ भरते गए, वो डालता गया, कंकड़ भरते गए, पानी का लेवल ऊपर उठ गया, ठीक है? पानी का स्तर ऊपर उठ गया। The water level kept rising. पानी का लेवल बढ़ गया। Soon it was high enough for the crow to drink. जल्दी ही वो पानी कौवे के पीने के लिए काफी था। He drank the water and flew away. उसने पानी पिया और वो उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आप मेहनत करते रहोगे लगातार तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आपको जो भी करना है उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है। आप मेहनत करोगे तो आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। तो हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए? मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। अब कौवे ने मेहनत करी और उसको अंत में क्या मिला? उसको उसका फल मिला ना, मेहनत का फल मिला ना, मीठा मीठा क्या मिला उसको? पानी से उसकी प्यास बुझ गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा ही होगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? आपको समझ में आई कहानी? अच्छी लगी? मुंह से बोलो, अच्छी लगी? यस मैम। कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी। इस कहानी का नाम क्या था? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा, शाबाश। अच्छी लगी है आप लोगों को भी ये कहानी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।